अस्सलाम वालेकुम जी, मैं वेलकम करती हूँ आप सबको अपने चैनल पर। उम्मीद है मेरी यूट्यूब फैमिली जहाँ भी होगी खैरियत के साथ होगी। आज मैं बनाने जा रही हूँ जी चाइनीज़ नूडल्स, तो ये मैं अपने स्टाइल में बनाने जा रही हूँ, तो सोचा मैंने ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर लूँ। चलिए जी, देखते इसमें कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी। यहाँ पर जी मैंने वाइट विनीगर लिया है, ये एक सॉस है रिच हॉयसन के नाम से, इसे मैं कलर के लिए यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, इसके बगैर भी नूडल्स बन सकते हैं। ये डार्क सोया सॉस है, ये नूडल्स ये वाले मैं यूज़ कर रही हूँ। वाइट पेपर है, नमक इस पे जायका है और चिली फ्लेक्स हैं। यहाँ पर जी मैंने चिकन लिया है, इसको लम्बा लम्बा मैंने काट लिया है। ये थोड़ा सा गार्लिक है, इसको भी लम्बा लम्बा काट लिया है। ये कैरेट्स हैं, कैप्सिकम हैं ग्रीन और रेड, और यहाँ पर जी हरा प्याज है। इन सब सब्जियों को मैंने लम्बा लम्बा काट लिया है। चलिए जी अब शुरू करते हैं। यहाँ पर जी मैंने 2 टेबलस्पून ऑली है, तो उसमें मैंने गार्लिक डाल दिया है, तो इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, फिर इसमें चिकन जाएगा। अब जी चिकन की बारी है, गार्लिक को इतना ज़्यादा नहीं करना। इसमें जी आप जाएंगे चिली फ्लेक्स, वाइट पेपर और सॉल्ट। चिली फ्लेक्स मैं आपकी मर्जी से डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा स्पाइसी कम है, तो अगर आपकी मर्जी अगर डालना चाहते हैं तो डालने हैं, तो नहीं तो आपकी मर्जी। अब ये चिकन जाएगा जी दम पे गलने के लिए। पाँच मिनट दम के बाद देखें जी यहाँ पर ये चिकन अच्छी तरह पक चुका है। अब इसमें जी जाएगा सोया सॉस, तकरीबन 2 टेबलस्पून है। एक डार्क सोया सॉस है, अच्छी तरह मिक्स करेंगे जी। इनको इतना ज़्यादा गलाना नहीं है, कैरेट्स को जब थोड़ा सा क्रंच रहना चाहिए कैरेट्स में। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जी अब मैं डालूंगी नूडल्स। मिक्स करेंगे, अंदर से मिक्स करूंगी। नूडल्स ये खिले की नहीं क्यों है, जब मैंने इनको उबाला था उसमें 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला था, तो इसकी वजह से ये आपस में इतने भिगे नहीं है। अब जी इस स्टेज में डालूंगी बाकी की जो सब्जियां हैं वो। मिक्स करेंगे अच्छी तरह, ये देखेंगे सब्जियां डालने के बाद कितना प्यारा कलर आ गया है। ये इतनी इजी और सिंपल रेसिपी है, मिनटों में बन जाती है। सब्जी को आपने इतना गलाना नहीं है, बस उन्हें इसी तरह खड़ा कर रखना है। अब जो मैं इसमें डालूंगी हॉयसन जो सॉस है, मैंने आपको बताया इसको थोड़ा डार्क कलर देने के लिए मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ।
अगर ये आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, इसके बगैर ही मुझे टेस्टी होंगे, मज़े के बनेंगे। ये देखिए हमारे नूडल्स तो रेडी हो चुके हैं, अभी मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए जी, यहाँ पर मैं डिश आउट कर चुकी हूँ। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने ट्राई करनी है और फिर मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपकी कैसी बनी है। तो दुआ में याद रखिएगा, अगर ज़िंदगी रही तो फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।